नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर आतंकी हमला, दो सुरक्षाकर्मी जख्मी, आतंकियों ने हथियार भी लूटे। यूपी में योगी सरकार के फैसले के खिलाफ मीट कारोबारियों की हड़ताल, बूचड़ खाने पर कार्रवाई के विरोध में फैसला, कारोबारी बोले सरकार ने पैदा किया रोजी रोटी का संकट। लोकसभा में आज पेश होगा जीएसटी बिल, 28 मार्च को हो सकती है बिल पर चर्चा, जीएसटी से जुड़े 4 बिल आज पेश कर सकती है सरकार। एमपी और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों के साथ आज टी पार्टी कर रहे हैं पीएम मोदी, सांसदों को देंगे मोदी मंत्र, पहले यूपी, गुजरात और राजस्थान के सांसदों से कर चुके हैं मुलाकात। राम मंदिर पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, मंदिर के लिए अपनी जमीन दे मुसलमान, अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाने के लिए मुसलमान अपनी इच्छा से करे जमीन का त्याग। मणिपुर में बस पलटने से दर्दनाक हादसा, 10 लोगों की मौत, 25 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत, वहीं दिल्ली के बुराड़ी में बस पलटने से 12 लोग जख्मी। पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ, इंडियन कोस्ट गार्ड और पाक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बीच होगी बैठक, 15 अप्रैल को भारत में हो सकती है बैठक। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में फिर एक भारतीय हुआ नस्लीय हमले का शिकार, रेस्तरा में 5 लोगों ने भारतीय के साथ की मारपीट, कहा यूबल ब्लैक इंडियन। और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, सेंसेक्स 150 अंक टूटा तो निफ्टी 9050 के पास, लेकिन रुपया 13 पैसे की तेजी के साथ 65.28 के स्तर से खुला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।